ये आप लोग बड़ा क्रेन देख रहे हैं जो ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था इसका हेल्प के साथ, मतलब आपका जो हावलॉक जेटी है उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एंड समझ ही रहे हैं ये इतना बड़ा क्रेन इन लोग कैसे लाते होंगे। सो वो चीज़ दिखाता है, उसमें चढ़ा के इन लोग लाते हैं और ये फिर पूरा रास्ता हैवलॉक से पोर्ट बेर ये पहुंचता है, ये वाला वेसल। चलिए और करीब से दिखाते हैं। ओके, वो वहाँ पे एक मैक्रूज खड़ा हुआ है। सो यू कैन सी ये वेसल कितना बड़ा है। ऑलरेडी यहाँ पे एक छोटा सा क्रेन है, उसका हाफ भी नहीं है ये वाला जो क्रेन मैंने अभी आपको दिखाया। एंड ये पूरा टो करते हुए ये वाला पोर्ट ब्लेयर पहुँचता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है आपका जेटी एरिया, यहाँ से आपको एलिफेंटा का बोट मिलता है। एंड यहाँ पे ये क्रेन है, ये टो होने वाला है। ओके, एंड ये आपका मक्रूज आया है, आज काफ़ी अच्छे गेस्ट आए हैं, उसका भी एक क्लिप होपफुली हम लोग शेयर कर देंगे। एंड देन आप यहाँ पे, दिस इज़ द जेटी, यहाँ पे पोर्ट है, आप यहाँ पे आके उतरते हैं। यू हैव टू वॉक डाउन दिस लेन एंड देयर इट सेज वेलकम टू स्वराज दीप। फिर ये जो एरिया है, यहाँ पे आपका सारे आपके जो भी टू व्हीलर्स हैं, जो आप लोग के रिसोर्ट तक लेके जाएंगे, दे विल बी वेटिंग फॉर यू एट द गेट विद द नेम प्लेट। सो यू हैव टू जस्ट वॉक डाउन दिस पाथ एंड देन योर जर्नी इन टू द पैराडाइज विल स्टार्ट। ओके, अब थोड़ा सा बताते हैं कि आज का वीडियो किस बारे में है, और वो बताने के लिए आएंगे मिस्टर प्रशांत दत्त। प्लीज कम। हे गाइस, हाउ इज एवरीवन डूइंग? ओके फ्रेंड्स, आज काट दूँ वहाँ पे। तो अभी अभी मैक्रूज आया है यहाँ पे, और ये सब सारे गेस्ट आ रहे हैं मैक्रूज से, एंड सब हैवलॉक आ रहे हैं। वेलकम टू ऑल। सो फ्रेंड्स, हम लोग आप लोगों को काफ़ी चीज़ें दिखाएंगे, लाइक द पुलिस स्टेशन, कहाँ पे आप लोग टिकट काटना है फेरी के लिए, वे यू नीड टू गो एंड बुक योर टिकट्स। वील टेल यू समथिंग अबाउट द पेट्रोल पम्प्स, वील कवर अप द एटीएम्स, अबाउट द मार्केट्स एंड एवरीथिंग। सो ये वाले चीज़ें आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन होगा, हम लोग को लगा कि आप लोगों को ये बताना चाहिए। वैन यू आर कमिंग टू हैवलॉक, यू शुड कीप दिस प्लेसेज इन माइंड एंड यू शुड कीप द टाइमिंग्स इन माइंड एज वेल। सो ज़्यादा कुछ नहीं बोल के, let's get on with the video and let's cover up the places and give you all the information. Okay, so ये आपका jetty है, यहाँ से आप लोग आएंगे and just बाहर आके ही ना, जहाँ से ये white car जा रहा है, वहाँ पे एक xerox का दुकान है। so I just thought this will be informative because आप अगर मैक में आ रहे हैं या फिर आपको टिकट के लिए अपना डॉक्यूमेंट xerox करना है, कुछ भूल गए तो आप वहाँ पर जाके जेरोक्स कर सकते, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। एंड ये रहा है ब्लॉक, और यहाँ पे आपका ऑटो स्टैंड भी है। सो जो लोग लाइक बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं, यू डोंट हैव अ फोर व्हीलर वेटिंग फॉर यू, यू हैव अ थ्री व्हीलर वेटिंग फॉर यू हियर। थोड़ा सा आगे जाके बस स्टॉप भी है, पुलिस स्टेशन भी है, सब हम लोग डिटेल में कवर करते हैं। बट उससे पहले चलते हैं कि जो हम लोग फर्स्ट कवर करना चाह रहे थे, दैट वॉज द टिकट काउंटर, जहाँ से आपको एक्चुअली टिकट मिलेगा परचेज करने को। पहले टिकट काउंटर वॉज इनसाइड दिस, बट दैट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन नाउ। सो ठीक उसके बाजू में ये एक लेन चला जाता है। ओके, सो प्रशांत इज योर सी। ओके, इस रास्ते से सीधा जाके आपको अभी टिकट मिलेगा। अच्छा, व्हीकल्स आर नॉट अलाउड लिखा हुआ है, बट हम लोग का स्कूटी अंदर चला गया।
दिस इज हाउ द प्लेस लुक्स। पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम लोग का बहुत मेहनत हो रहा है इसके पीछे। आई जस्ट होप ये वीडियो अच्छा हो, आप लोग को पसंद आए, अच्छा लगे। प्लीज़ कमेंट्स में हम लोग को बताइएगा आप लोग को कैसा लग रहा है। ऐसे यहाँ पे फर्स्टली दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, प्लीज़ वेयर मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस। ऐसे आपका चार्ट निकल जाता है विद योर नेम इन इट। यहाँ पे ये लिस्ट है, उसके बाद यहाँ से आपको बाजू में जाके ये यहाँ पे आपका प्राइस है। पर्टिकुलरली जो लोग गवर्नमेंट में ट्रैवल करने का सोच रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ, दिस इज द फीमेल काउंटर एंड द मेल काउंटर इज दैट साइड। मेल काउंटर, ओके दिस इज द मेल काउंटर। में ऑलरेडी प्रशांत खड़ा हुआ है। सो फ्रेंड्स एक्चुअली यहाँ पे ये बेसिकली अभी टेम्परेरी है ये आपका बुकिंग काउंटर, एक्चुअली जस्ट बिकॉज हावलोक जेट्टी अभी कंस्ट्रक्शन में, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। सो बहुत जल्दी हावलोक जेट्टी भी बहुत खूबसूरत बनने वाला है। सो दिस इज जस्ट टेम्परेरी। सो अभी जो लोग रिसेंटली यहाँ पे प्लान करने वाले हैं या एक या दो साल के अंदर शायद आई गेस, सो ये वाला आपको यहाँ पे आके करना पड़ेगा। I don't worry, they are providing a pen to fill up the forms. But it is written there, bring your own pen. Bring your pen? But it is Havelock, they do give you a pen here. So. Okay, so guys, this is the police station. Havelock police station, ekdam जेट्टी के पास ही है आपका। पुलिस स्टेशन के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता दूं। मेन लैंड में पुलिस स्टेशन ऐसी दिखती है आई एम प्रिटी श्योर, बट यहाँ पे एक डिफरेंट पार्ट है, दैट इज़ यहाँ पे एक टूरिज्म का अलग से डिपार्टमेंट है। तो अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, आपका किसी के साथ कोई झमेला हो रहा है प्राइस लेके, या फिर कुछ चीज़ आपकी खो जा रही है, कुछ भी हरासमेंट हो रहा है आपको यहाँ पे इन आइलैंड, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको दिख रहा होगा, अलग से मैं एक टूरिज्म पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर है मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी नीचे वीडियो के। आई एम प्रीटी श्योर दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द गेस्ट। एंड ये फिर से और एक बार जेटी, ओके सर नैन लेट्स गो, हम लोग का नेक्स्ट स्पॉट क्या है? ओह ओके बस स्टैंड। ओके सर ये आप लोग का बस स्टैंड है सामने, तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट बसेस छोड़ते हैं, और पीछे जो बसेस थे वहाँ पे एसी बसेस भी है हावलोक में, सो एसी बसेस भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ओके दिस आर द गवर्नमेंट बसेस जो है। अच्छा जो लोग हेलीकॉप्टर के लिए हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करना चाहते हैं दे कैन कम हियर, ये इंक्वायरी ऑफिस है फॉर द हेलीकॉप्टर एंड फॉर द टिकट काउंटर ऑल्सो। यहाँ पे आके आपको नाम लिखाना पड़ता है। You have to register your name over here first and then after the name comes up you go to the booking counter to purchase your tickets. अच्छा एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा और बता दूँ बस के बारे में। जो ए सी बस उसने बोला, इफ यू आर प्लानिंग अ बजट ट्रिप देन वॉट यू कैन डू इज सीधे आप ऑटो में करके जेटी आ जाइए, आराम से ए सी बस में कम्फर्टेबली आप सारे बीचेस घूम सकते हैं। दिस इज ऑल्सो फॉर द बजट गेस्ट, जो लोग लाइक कम पैसे में अच्छे से घूमना चाहते हैं दे कैन डू दिस। ओके नेक्स्ट लेट्स सी, नेक्स्ट आएगा आपका नेक्स्ट वी विल बी कवरिंग अप द पेट्रोल पंप, सो लेट्स गो। ओके सो एज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ट्रैवलिंग इन अ टू व्हीलर इज द बेस्ट इन हावलोक, तो अभी हम लोग जो इस जगह में हैं, पहले आप लोग ये हेडलाइन नंबर्स थोड़ा देख लीजिए। दिस इज द पेट्रोल पंप, एकदम ब्रांड न्यू है, पहले ये पेट्रोल पंप नहीं था हावलोक में, रिसेंटली खुला है। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया गैस लोग के लिए, अदरवाइज़ पहले
काफ़ी दूर जाना होता था पेट्रोल भराने के लिए गैस लोग को, तो फिर दिस इज़ अ गुड स्पॉट। यहाँ पे आप कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ रिलीफ बिकॉज अदरवाइज पहले आइलैंड पे बहुत कैश कैरी करना पड़ता था। यू कैन डू कार्ड पेमेंट। इसका टाइमिंग है आपका सुबह के 6 बजे से शाम के 8 बजे तक। ओके, तो जस्ट पेट्रोल पंप के थोड़ा सा आगे आके आपको यहाँ पे सारे बैंक्स एटीएम्स मिल जाएंगे। एसबीआई का एटीएम है और बैंक भी है। थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पे आपका एचडीएफसी है, उसके बाद एक्सिस बैंक है। सो दिस इज़ द एटीएम एरिया, इतना ही है अवेलेबल। वैसे अभी इंटरनेट जस्ट बिकॉज चलने लगा है तो काफ़ी जगहों में कार्ड पेमेंट भी हो जा रहा है, अदरवाइज कैश के लिए यू हैव टू कम हियर। सो लास्टली दिस इज़ द सुपर मार्केट जो एकदम मार्केट एरिया में है, और उसके ठीक बाजू में आपका यहाँ पे ये और एक एटीएम हो जाता है, एटीएम है। अंदर नहीं जा रहे हम लोग और बिकॉज सब पहचान के हैं, सो इट माइट बिकम अ बिट ऑकवर्ड। यू कैन कम डाउन, या थैंक यू, बाय। ओके, सो ये जेटी है आपका, और इसके ठीक बाहर बाजू में सामने ना आपको ये रहा आपका जहाँ पे वो वाइट कार। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें जानना या जो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा अगर आप लोग ये जान के अपना हो गया।